हे गाइस, आई एम जसवंत, वेलकम टू माय चैनल विंग एंड नॉट्स। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इमरजेंसी ड्रग्स एंड देयर यूजेस के बारे में। तो जो भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब बटन सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी इंतजार का। फर्स्ट ऑफ ऑल, इमरजेंसी के ड्रग्स में आता है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन कौन से के लिए यूज़ करते हैं हम? एड्रेनालिन इज यूज टू ट्रीटमेंट इन द कार्डियक अरेस्ट। एड्रेनालिन इज यूज इन द कार्डियक अरेस्ट एंड इट इज ऑल्सो यूज ट्रीटमेंट ऑफ एनाफिलेटिक शॉक। यानी ड्रग रिएक्शन में भी हम एड्रेनालिन यूज करते हैं। और एड्रेनालिन यूज इन कंट्रोल सुपरफिशियल ब्लीडिंग। सुपरफिशियल ब्लीडिंग में कंट्रोल करने के लिए भी एड्रेनालिन यूज करते हैं। और इट इज़ यूज आस्थमा व्हेन अदर ट्रीटमेंट्स आर नॉट इफेक्टिव। एड्रेनालिन इट इज ऑल्सो यूज इन आस्थमा। तो चलते हैं नेक्स्ट, एट्रोपिन। एट्रोपिन इज यूज इन ब्राडिकार्डिया। व्हेन द हार्ट रेट इज लो देन एट्रोपिन इज यूज टू इंक्रीज द हार्ट रेट। एट्रोपिन इज ऑल्सो यूज एंड ऑल्सो यूज इन ऑर्गेनो फॉस्फोरस पॉइजनिंग। इट इज द प्रिफरेबल इंजेक्शन फॉर ऑर्गेनो फॉस्फोरस पॉइजनिंग। And it is also used in decrease the production of saliva. To decrease of the production of saliva, atropine is used. तो next क्या आता है? Next drug आता है amiodarone. Amiodarone is used in irregular heartbeat. Irregular heartbeat में आता है ventricular tachycardia and ventricular fibrillation. And ये amiodarone यूज होता है wide complex tachycardia. Wide complex tachycardia में भी amiodarone को हम यूज़ करते हैं। एंड atrial fibrillation, atrial fibrillation में भी amiodarone यूज होता है। एंड PSVT, paroxysmal supraventricular tachycardia में भी amiodarone का प्रिफर करते हैं। नेक्स्ट आता है एडेनोसाइन। एडेनोसाइन इज यूज टू रिवर्ट SVT supraventricular tachycardia when the heart rate is more than 130-140 above, adenosine is used. नेक्स्ट आता है एडेनोसाइन के बाद 25% डेक्सट्रोज। 25% डेक्सट्रोज हम यूज करते हैं हाइपोग्लिसीमिया। व्हेन द ब्लड शुगर लेवल इज लो देन वी यूज 25% डेक्सट्रोज। एंड हाइपरकैलेमिया, व्हेन द ब्लड पोटेशियम लेवल इंक्रीजेस देन 25% डेक्सट्रोज यूज। एंड यूज इन डायबिटिक केटोएसिडोसिस। डायबिटिक केटोएसिडोसिस में भी हम 25% डेक्सट्रोज यूज करते हैं। तो नेक्स्ट आता है नॉरएड्रेनालिन। और नॉराड, नॉराड को हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट लो बीपी। व्हेन देयर इज लो बीपी, नॉराड यूज टू मेंटेन द नॉर्मल ब्लड प्रेशर लेवल इन द बॉडी। तो नॉराड के बाद में आता है लिग्नोकाइन। लिग्नोकाइन को हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट वेंट्रिकुलर अरिथमिया। वेंट्रिकुलर अरिथमिया को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। एक्यूट MIM माइकोडियल इन्फेक्शन में भी लिग्नोकाइन को यूज़ करते हैं। एंड कार्डियोवर्सन, कार्डियोवर्सन में भी लिग्नोकाइन इज द प्रेफरेबल मेडिसिन और ड्रग्स। तो चलिए नेक्स्ट, नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन यूज होता है एंजाइना पेक्टोरिस और सीवियर चेस्ट पेन। नाइट्रोग्लिसरीन और NTG में, इट NTG यूज होता है एंजाइना पेक्टोरिस में। और इट इज ऑल्सो यूज इन द आइसोलेटेड हाइपरटेंशन। व्हेन देयर इज हाइपरटेंशन टू आइसोलेटेड इट NTG इज यूज। नेक्स्ट आता है डोपामाइन। डोपामाइन इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ स्लो हार्ट रेट। व्हेन देयर इज द हार्ट रेट इज लो, डोपामिन इज यूज टू मेंटेन द नॉर्मल हार्ट रेट। एंड इट इज ऑल्सो यूज इन कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में भी डोपामिन को हम यूज करते हैं प्रिफरेबल इंजेक्शन में। एंड सीवियर लो बीपी, जब लो बीपी हो जाता है तो डोपामिन को हम भी प्रिफर करते हैं। तो नेक्स्ट आता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज होता है यूज टू ट्रीट हाइपोकैल्शिमिया। व्हेन द ब्लड कैल्शियम लेवल decreases, then the calcium gluconate is used. And it is also used in hyperkalemia. When the blood potassium level increases, then calcium gluconate also used. And calcium gluconate is also used in magnesium toxicity में भी हम calcium gluconate को prefer करते हैं। तो नेक्स्ट आता है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड में हम यूज करते हैं टू ट्रीट हाइपोकैलेमिया। व्हेन द ब्लड पोटेशियम लेवल डिक्रीजेस, वी यूज पोटेशियम क्लोराइड टू मेंटेन द नॉर्मल पोटेशियम लेवल। नेक्स्ट आता है पोटेशियम के बाद सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडा बाइकार। सोडा बाइकार को हम यूज करते हैं सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस में। जब ब्लड का pH लो हो जाता है तो हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस में सोडा बाइकार को यूज करते हैं। एंड इट इज यूज्ड इन हाइपरकैलेमिया। व्हेन द बॉडी
पोटेशियम लेवल इंक्रीजेस और यू सोडियम बाइकार्बोनेट एंड ऑल्सो यूज इन कोकाइन टॉक्सिसिटी में भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट को प्रिफर करते हैं। तो नेक्स्ट आता है डोब्यूटामाइन। डोब्यूटामाइन इज यूज इन द हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में यूज होता है डोब्यूटामाइन। यूज होता है डोब्यूटामाइन ओनली कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर में डोब्यूटामाइन का रोल महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट चलते हैं डोब्यूटामाइन के बाद आता है हेपरिन। हेपरिन हम यूज़ करते हैं किस लिए? हम यूज़ करते हैं यूज टू ट्रीट ब्लड क्लॉट्स इन द बॉडी। व्हेन देयर इज एनी ब्लड क्लॉट्स इन द बॉडी वी यूज हेपरिन टू प्रिवेंट द क्लॉट्स इन द बॉडी। तो नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट आता है डेरिफेलिन। डेरिफेलिन को हम यूज़ करते हैं आस्थमा के लिए। आस्थमा को ट्रीटमेंट के लिए डेरिफेलिन यूज होता है एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग चेस्ट टाइटनेस। चेस्ट टाइटनेस में भी हम डेरिफेलिन को प्रिफर करते हैं। हाइड्रोकोर्टिजोन। हाइड्रोकोर्टिजोन इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन को ट्रीटमेंट करने के लिए हम हाइड्रोकोर्टिजोन को यूज़ करते हैं एंड इट इज ऑल्सो यूज इन ऑटो इम्यूनो डिजीज। ऑटो इम्यूनो डिजीज में भी हम हाइड्रोकोर्टिजोन को प्रिफरेबल इंजेक्शन मानते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आता है हाइड्रोकोर्टिजोन के बाद मेडाजोलाम। मेडाजोलाम इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ प्रोलॉन्ग सीजर। टू प्रोलॉन्ग सीजर मेडाजोलाम इज यूज। नेक्स्ट आता है मेडाजोल के बाद लासिस। लासिस इज यूज इन अक्यूट एंड क्रॉनिक हार्ट फेलियर एंड इट इज ऑल्सो यूज इन हाइपरटेंसिव। व्हेन द बॉडी इज हाइपरटेंसिव देन लासिस ऑल्सो यूज एंड लासिस ऑल्सो यूज इन केस ऑफ फ्लूइड ओवरलोड इन द बॉडी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम है और कौन सी वर्ड समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। अगर आपको मैं जो इंजेक्शन बताया आपको ज़्यादा यूजेस उस इंजेक्शन का पता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।